खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, देश सेवा करने वाले पहले टीवी न्यूज शो मातृभूमि के साथ हाजिरों में रुमाना इसार खान। आज मातृभूमि में बात करेंगे भारत के अस्त्र और शस्त्र की, बताएंगे इनकी ताकत ताकि दुश्मन आंख खोल कर देख ले कि हिंदुस्तान की ताकत उससे कहीं ज्यादा है। सुन लो पाकिस्तान, भारत ने हवा से हवा में मार करने वाली अस्त्र मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया है और पाकिस्तान के F-16 लड़ाकू विमान को धूल चटाने वाला भारत का नया तेजस विमान मैदान में आने के लिए तैयार हो चुका है। ये है भारत का नया अस्त्र जो हवा में ही दुश्मन की छोड़ी गई मिसाइल को ध्वस्त कर सकता है और ये है भारत का नया शस्त्र तेजस। तेजस भारत का नया शस्त्र इसलिए है क्योंकि तमाम तकनीकी बदलावों के बाद यह पहले से ज्यादा मजबूत और मारक बनकर मैदान में उतर रहा है। टीवी स्क्रीन पर आपको इस वक्त जो तस्वीरें दिख रही हैं, वो पाकिस्तान के सबसे ताजा करतूत की मिसाल है। अपनी फितरत के मुताबिक पाकिस्तान ने फिर से पीओके के हाजी पीर सेक्टर से भारत में घुसपैठ की कोशिश की। पाकिस्तान घुसपैठ करेगा और भारत अपने अस्त्र शस्त्र से उन्हें मार गिराएगा। आज हम मातृभूमि में आपको भारतीय सेना की ताकत को बढ़ाने वाले अस्त्र और शस्त्र की पूरी कहानी दिखाएंगे। DRDo ने मंगलवार को सुखोई एयरक्राफ्ट के साथ अस्त्र मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। अस्त्र मिसाइल की रेंज 70 किलोमीटर है जो हवा में दुश्मन के मिसाइल को खत्म कर सकती है। यानी पायलट को टारगेट देखने की जरूरत नहीं पड़ती। अस्त्र मिसाइल का इस्तेमाल किसी भी तरह के मौसम में किया जा सकता है। अस्त्र पूरी तरह से स्वदेशी मिसाइल है। अब बात करते हैं भारत के नए शस्त्र तेजस की। तेजस की बढ़ी हुई ताकत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि वो अब अमेरिका के F-16 लड़ाकू विमान और चीन के JF-17 को भी धूल चटा सकता है। नया तेजस दुश्मन के रडार में आसानी से नहीं आएगा। तेजस दुनिया का सबसे हल्का लड़ाकू विमान है, लेकिन मारक क्षमता बेहद खतरनाक है। आज हम मातृभूमि में आपको तेजस की प्रोडक्शन लाइन में लेकर चलेंगे, यानी वो जगह जहां तेजस बनकर तैयार हुआ है। एबीपी न्यूज संवाददाता नीरज राजपूत सुनाएंगे तेजस के तैयार होने की एक्सक्लूसिव कहानी। कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नई मारक क्षमता से लैस तेजस विमान में उड़ान भरने वाले हैं और उससे पहले एबीपी न्यूज संवाददाता नीरज राजपूत कैमरामैन मुकेश यादव के साथ बेंगलुरु में उस जगह मौजूद हैं जहां लड़ाकू विमान तेजस को तैयार किया जाता है। मातृभूमि में आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं तेजस कैसे पहले से ज्यादा घातक हो गया है। ये वो पुराना तेजस नहीं है जो 3 साल पहले भारतीय वायुसेना के जंगी बेड़े में शामिल हुआ था। ये तेजस दुश्मन के लिए बेहद घातक है। यह हमला भी करता है और भागने का मौका भी नहीं देता। तेजस हमारी भारतीय वायुसेना के लिए कितनी बड़ी उपलब्धि है, इसे समझने के लिए आपको अभिनंदन का एपिसोड याद करना होगा। बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान से डॉग फाइट हुई थी जिसमें वीर चक्र विजेता विंग कमांडर अभिनंदन ने बहादुरी की मिसाल कायम की थी और पाकिस्तान के आधुनिक F-16 लड़ाकू विमान को मार गिराया था। लेकिन इस डॉग फाइट में अभिनंदन का MiG-21 फाइटर जेट क्रैश हो गया था। जिस MiG-21 को विंग कमांडर अभिनंदन उड़ा रहे थे वो करीब 40 साल पुराना था। इस घटना के बाद सवाल उठे कि भारतीय वायुसेना
इतने पुराने फाइटर जेट्स क्यों उड़ा रही है? इन सवालों के जवाब के तौर पर सामने आया है भारत का स्वदेशी लड़ाकू विमान लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस। सवाल खड़े होने लगे कि भारतीय वायुसेना को इस MiG-21 की जगह पर कौन सा एयरक्राफ्ट मिलेगा, तो उसका जवाब यह है कि भारतीय वायुसेना को स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस यानी कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मिलेंगे, जिसमें इस वक्त मैं बैठा हुआ हूं, एबीपी न्यूज की टीम बैठी हुई है यहां पर। इस एयरक्राफ्ट में ये है MiG-21 का रिप्लेसमेंट, उनकी जगह लेगा। ना केवल जगह लेगा बल्कि ये जो कि आधुनिक लड़ाकू विमान है, हल्का जरूर है, इसके जो एवियोनिक्स हैं, इसकी जो वेपनरी है वो बेहद ही आधुनिक है, इसीलिए अगर दुश्मन के साथ कोई डॉग फाइट हुई तो ये स्वदेशी लड़ाकू विमान दुश्मन के किसी भी इरादों को नाकाम कर सकता है। 3 साल इस्तेमाल करने के बाद वायुसेना और HAL को तेजस को और अधिक घातक बनाने की जरूरत महसूस हुई। इस जरूरत ने तेजस को दुनिया के सबसे खतरनाक लड़ाकू विमानों के बीच लाकर खड़ा कर दिया। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL अब तक 16 तेजस विमान का निर्माण करके वायुसेना को सौंप चुका है। करीब इस तरह के 40 तेजस विमानों को HAL को भारतीय वायुसेना के लिए तैयार करना है। आने वाले वक्त में कुल 123 तेजस लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना में शामिल किए जाएंगे, लेकिन नए तेजस से दुश्मन को डर क्यों लगेगा, वो खूबियां बताते हैं आप। तेजस से बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल यानी ऐसे मिसाइल जो आंखों की नजरों से दूर 25 से 30 किलोमीटर दूर भी टारगेट को मार सकती है। EW यानी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट, इसके जरिए अगर तेजस पर कोई मिसाइल से टारगेट किया जाता है तो पायलट को कॉकपिट में लगे सेंसर से तुरंत पता चल जाएगा। नए तेजस में रडार वार्निंग सिस्टम होगा यानी दुश्मन के रडार की पकड़ में आते ही पायलट को अलर्ट चला जाएगा। एयर टू एयर रिफ्यूलिंग यानी हवा में ही तेजस में ईंधन भरा जा सकता है। हाल ही में हमने देखा कि अमेरिका के अटैक हेलीकॉप्टर्स अपाचे भारतीय वायुसेना में आए, शामिल हुए, तो ये भी क्या उसी तरह का अटैक हेलीकॉप्टर होगा? ये भी उसी तरीके का अटैक हेलीकॉप्टर होगा और बहुत कॉम्पिटिटिव होगा प्राइस वाइज एज वेल एज इट इज परफॉर्मेंस वाइज। इसके लिए तो आपने देखा होगा कि जितनों ने इसको उड़ा के देखा, किसी ने ये सबने यही बोला है कि बहुत अच्छा उम्दा किस्म का एयरक्राफ्ट है ये। नए तेजस विमान बेहद आधुनिक हैं, इतने आधुनिक कि ये अमेरिका के F-16 और चीन के JF-17 से भी बहुत आगे हैं। भारत का पड़ोसी और दुश्मन देश पाकिस्तान अमेरिका के F-16 और चीन के JF-17 दोनों लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल करता है, लेकिन अब पाकिस्तान के विदेशी फाइटर जेट एवियोनिक्स और फ्लाइट कंट्रोल में तेजस का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। तो कैसे तेजस दुश्मनों को उखाड़ फेंक सकता है, ये तो आपने देख लिया तेजस ने, लेकिन ये ताकत हासिल कैसे की, नया तेजस तैयार कैसे हुआ? पहली बार लड़ाकू विमान बनाने वाली फैक्ट्री की तस्वीरें अपनी टीवी स्क्रीन पर देखिए जरा। पहली बार आप लड़ाकू विमान तैयार करने वाली फैक्ट्री देख रहे हैं, कॉकपिट से लेकर विमान के विंग बनते हुए देख रहे हैं। 1-1 इंच की नाप ली जा रही है। महीन से महीन सिरा तराशा जा रहा है। बड़ी ही बारीकी के साथ इसी जगह पर 9 टन वजन के तेजस विमान को सुपरसोनिक फाइटर जेट बनाया गया है। पंद्रह किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़ सकने वाला तेजस अपने साथ 35 टन के मिसाइल, बम और दूसरा वजन उठा सकता है। HAL ने नए तेजस विमान को जैमर प्रोटेक्शन तकनीक से लैस किया है ताकि दुश्मन की सीमा के करीब उसका कम्युनिकेशन जाम ना हो पाए। इस एयरक्राफ्ट में जब हम हैं, आप भी यहाँ पर बैठे हुए, तो देशवासी
निश्चिंत हो सकते हैं कि अगर कभी जरूरत पड़ी डॉग फाइट या कभी भी दुश्मन के खिलाफ, किसी भी दुश्मन के खिलाफ, तो हमारा ये एलसीए तेजस जो स्वदेशी लड़ाकू विमान है, ये कहीं से भी कोई कम नहीं होगा और दुश्मन का मुकाबला अच्छे तरीके से कर पाएगा। 100% एलसीए हवा में पूरी तरह से सक्षम है और इसका जो कैपेबिलिटी है, इट इज़ फॉर इट्स क्लास, इट इज़ कंपेरेबल टू द बेस्ट इन द वर्ल्ड। मुझे कोई शक ही नहीं है कि एज इंडियंस वी शुड बी वेरी प्राउड ऑफ इट, बिकॉज दिस इज समथिंग दैट हैज टेकन, इट वाज ऑलवेज अ ड्रीम इन इंडिया टू मेक एन एरोप्लेन लाइक एलसीए। तेजस मार्क 1A में लेजर डेजिग्नेटेड पॉड्स और लेजर गाइडेड बम लगाए गए हैं। ये तकनीक बालाकोट में आतंकियों के कैंप पर स्ट्राइक करने वाले मिराज 2000 में भी नहीं थी। यानी भारत का तेजस विमान अब एक मल्टी रोल फाइटर जेट की कैटेगरी में आ गया है, जो दुश्मन की सीमा में घुसकर स्ट्राइक करने में भी सक्षम हो चुका है। इस वक्त हम जो एचएल का प्लांट है उसमें ये जो देख रहे हैं, दरअसल ये एलसीए तेजस का स्केलेटन है। यहां पर इसको कपलिंग की जा रही है, जो इसका फ्रंट पार्ट है, जो कॉकपिट होता है जहां पर मैं खड़ा हुआ हूँ, सेंटर पार्ट और रियर पार्ट, ये तीनों अलग अलग होते हैं, यहां पर इनको जोड़ा जाता है। दुनिया भर की जो वायुसेनाएं हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा, जो आधुनिक वायुसेनाएं हैं वो अपने यानी स्वदेशी लड़ाकू विमान पर निर्भर करती हैं, क्योंकि किसी भी लड़ाकू विमान की जो उम्र होती है करीब 35-40 साल होती है, लेकिन इन सालों में टेक्नोलॉजी बहुत अपग्रेड हो जाती है, तो अपग्रेड करने की ज़रूरत पड़ती है। उनके एवियोनिक्स या वेपन्स हों, मिसाइल्स हों, उनमें जो लगती हैं उनको अपग्रेड करना पड़ता है, लेकिन उनका खर्चा बहुत ज़्यादा आता है। ऐसी परिस्थिति का सामना भारतीय वायुसेना को मिराज 2000 के अपग्रेड के समय में लगा था। यही वजह है कि भारतीय वायुसेना अब स्वदेशी लड़ाकू विमानों पर निर्भर रहना चाहती है, ताकि भविष्य में उनमें अपग्रेड करना पड़े तो उनको उस तरह की परिस्थितियों का सामना ना करना पड़े। ये मलेशिया में हुए लीमा एयर शो की तस्वीरें हैं, जहां तेजस की परफॉर्मेंस देखकर दुनिया भर की वायुसेना ने भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान की जमकर तारीफ की थी। मलेशिया ने तो तेजस को खरीदने का प्रपोजल भी दिया है। तेजस ने पहली बार युद्धपोत पर लैंडिंग की है, जो दुनिया की सबसे मुश्किल लैंडिंग्स में से एक है। इस सफल टेस्ट के बाद जल्द ही तेजस को भारतीय नौसेना के युद्धपोत आईएनएस विक्रमादित्य पर फ्लाइट टेस्ट कराया जाएगा। अगर तेजस इस टेस्ट में खरा उतरा तो भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएगा जो एयरक्राफ्ट कैरियर पर तैनात करने वाले फाइटर जेट का निर्माण करते हैं। अभी तक ये रिकॉर्ड अमेरिका, रूस और फ्रांस जैसे चुनिंदा देशों के पास ही है। सोमवार से हमने मातृभूमि शो में एक खास सीरीज शुरू की है, जिसका नाम है देश का नाम बदनाम ना करो। इस सीरीज में हम नियम तोड़ने वाले नागरिकों से सवाल करते हैं। आज सवाल छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के उन नागरिकों से जिनके पास नियम मनवाने की जिम्मेदारी है। जगह छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, तारीख 16 सितंबर। एबीपी न्यूज संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी कैमरा पर्सन दुर्गेश के साथ रायपुर के घड़ी चौक के पास मौजूद हैं। अचानक एक मोटरसाइकिल रॉन्ग साइड से आते हुए दिखाई दी, बाइक सवार नजदीक पहुंचा, पता चला कि ये सज्जन 2-स्टार पुलिसकर्मी है। संवाददाता ज्ञानेंद्र ने उनसे रॉन्ग साइड पर आने का सवाल किया तो तीन बार तो इन्हें सवाल समझ ही नहीं आया। बंजारे जे आर बंजारे साहब, रॉन्ग साइड क्यों जा रहे हैं? क्यों जा रहे हैं रॉन्ग साइड? क्या चीज? रॉन्ग साइड क्यों जा रहे हैं? नहीं, मैं रॉन्ग साइड नहीं जा रहा हूँ, यहाँ पर जा रहा हूँ यूं करके। नहीं नहीं, ये रॉन्ग साइड है, दुर्गेश दिखाइए, ये इधर जाने की सड़क है, आप रॉन्ग साइड क्यों जा रहे हैं, मेरा सवाल आपसे। नहीं नहीं, मैं ये ऑफिस यहाँ पर जा रहा हूँ। आप कहीं भी जा रहे हैं रॉन्ग साइड है कि नहीं है? रॉन्ग साइड है। जब सवाल समझ आ गया तो बंजारे साहब ये मानने को तैयार ही नहीं थे कि सड़क पर रॉन्ग साइड चलकर वो गलत कर रहे हैं। जानबूझकर पुलिस वाले होकर, वो भी 2-स्टार, ऐसी गलती आपको करना चाहिए? नहीं, करना नहीं चाहिए, एक्चुअली में मैं वहाँ नहीं जा रहा हूँ, ये यहाँ जा रहा हूँ। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, मेरे से ज्यादा कानून आप जानते हैं, आप कहीं भी जा रहे हैं आप गलत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? बंजारे साहब की ड्यूटी भी ट्रैफिक की देखरेख में लगती है, लेकिन देखिए वर्दी में होने के बावजूद ये देश के नागरिकों की सुरक्षा के लिए बने नियमों की कितनी इज्जत करते हैं। क्यों कर रहे हैं? नहीं, गलत, एक्चुअली मैं कर नहीं रहा हूँ। ये रायपुर का भगत सिंह चौक है और यहाँ नरेंद्र टोप्पो साहब हमारे साथ हैं।
लेफ्टिनेंट टोपो साहब, छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल, ये पुलिस में आता है? जी सर। हा? जी सर। आप पुलिस वाले? जी सर। हेलमेट क्यों नहीं पहने? बस ये पास में सर, यहाँ पर पहनूंगा सर। यहाँ ये है मेरा रूम सर, ये रूम तो ये जाके पहनूंगा। तो आपको ऐसे जाना चाहिए क्या बिना हेलमेट के? जाना तो नहीं चाहिए सर। हा? नहीं चाहिए सर। गलती कर रहे हैं? जी सर। जी क्या कहेंगे इस गलती पर? माफी चाहता हूँ सर। माफी चाहता हूँ सर। नरेंद्र टोपो जी, माफी तो आपने मांग ली, लेकिन देश के सामने आप क्या मिसाल पेश कर रहे हैं? देश का नाम बदनाम मत कीजिए। नए मोटर व्हीकल एक्ट में रॉन्ग साइड से आने पर 5,000 का जुर्माना है। रॉन्ग साइड पर चलने से हर रोज करीब 26 मौत देश में हो जाती हैं। लेकिन इस बात से बेखबर लोग दनादन अपनी गाड़ियां रॉन्ग साइड से दौड़ा रहे हैं, और इनमें वो लोग भी शामिल हैं जो आम लोगों को नियम बनाने की प्रेरणा देते हैं। रायपुर के घड़ी चौक पर आती ये गाड़ी चर्च के फादर की है। कहां से आ रहे हैं सर? ये तो मेरा घर चर्च यहाँ है। यहाँ है तो रॉन्ग साइड क्यों जा रहे हैं? ये पेट्रोल पंप यही है तो यहीं से निकाल लिए। यहीं से निकल गए, पेट्रोल पंप यही। आप तो पढ़े लिखे हैं, बड़ी गाड़ी रखे हैं, सब जानते हैं, ट्रैफिक का रूल जानते हैं, उसके बाद भी रॉन्ग साइड जाना? बस ये पास में ही है करके हम लोग यहीं से निकल जाते हैं। बहुत लोग निकल जाते हैं। नहीं, बहुत लोग निकल जाते हैं, इसीलिए तो नया मोटर व्हीकल एक्ट आया है कि अब लोग ना निकलें। लग नहीं रहा है कि आप गलत कर रहे हैं? हाँ ठीक। क्या करते हैं आप? मैं तो फादर हूँ। फादर हूँ मैं। अब फादर ऐसा करेंगे तो आम लोग क्या करेंगे? छत्तीसगढ़ में नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू नहीं है, इसलिए फादर आलोक की दलील है कि नया एक्ट लागू होगा तो वो फॉलो करेंगे। नए मोटर व्हीकल एक्ट में 5,000 रूपए जुर्माना है अगर आप रॉन्ग साइड जा रहे हैं तो। हाँ हाँ जी, सुन रहा हूं। 5,000 रूपए आपसे मांगा जाएगा तो आपको तकलीफ नहीं होगी? हाँ होगी, होगी होगी। तो वो तकलीफ ना हो इसलिए आप पहले ही सचेत हो जाएं, ना जाएं रॉन्ग साइड। हाँ, शायद यहाँ भी लागू नहीं हुआ है। फादर आलोक, आप जान लीजिए, नया मोटर व्हीकल एक्ट आपके राज्य छत्तीसगढ़ में भले ही लागू ना हुआ हो, लेकिन ट्रैफिक नियम का जो पुराना कानून है उसके मुताबिक भी रॉन्ग साइड चलना नियमों का उल्लंघन है और 1,000 रूपए का जुर्माना है। इसलिए आपसे निवेदन है कि देश का नाम बदनाम मत कीजिए, एक जिम्मेदार नागरिक बनिए।